मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे एटली साहब। तो एटली साहब का पूरा जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वो 1960-65 में हिंदुस्तान आए और कलकत्ता में गवर्नर ने उनको अपने घर चाय पे बुलाया और गवर्नर ने पूछा कि अब तो आप कहीं रहे, आप खुल के बात कर सकते हैं, हम लोग आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो साहब थोड़ा झेप के शर्मा गए और फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था। तो एटली साहब ने कहा कि नेग्लिजिबल, आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो शायद हमको 1947 में आजादी नहीं मिलती। सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं एक बात समझता हूं कि जो हमारे ये तीनों जांबाज हैं, शाहनवाज खान साहब, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन सब की जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने मगरूर अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। थैंक यू। तो ये जो तीनों महान कैरेक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन तक लाने का जो जिम्मा है वो हमारे तीन बेहतरीन एक्टर्स ने उठाया है। मैं एक एक करके उन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले शाहनवाज खान साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं उनको मैं आवाज दूंगा, कुणाल कपूर। हाय कुणाल। गुरबख्श सिंह ढिल्लों के कैरेक्टर को पर्दे पर लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है अमित साध ने। मैं चाहूंगा वो स्टेज पे आए। और प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर है उसको पर्दे पे जिएंगे मोहित मारवा। मेरे मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुरू करें, क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट रखें, बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शाहनवाज खान साहब के ग्रैंडसन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, ये बेहद खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। मैं चाहूंगा वो भी तशरीफ लाएं। आदिल साहब। कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाह अली हैं, मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये आईएनए नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब ना बनती। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जी। हाँ, कितनी जिम्मेदारी है या इतिहास मतलब अक्सर होता है कि सिनेमैटिक लिबर्टी की बात की जाती है, क्या यहाँ पर वो लिबर्टी नजर आएगी या ये पूरी तरह से फैक्ट्स पे होंगे? जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं जो प्लॉट को घुमाते हैं उसमें हमने कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है, मतलब हर सीन में हमने लिखा हुआ है कि ये किस किताब से या इंटरव्यू से हमको ये फैक्ट्स मिले हैं। लेकिन कहीं कहीं जो कि बहुत इंडिविजुअल सीन है, अगर चाय पी रहे हैं प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, तो उन दोनों में जो बात हुई है उसका कोई हिस्टोरिकल कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो ऐसे प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनमें हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। जी, एक चीज़ और है कि फिल्में अगर आइडिया हैं तो ये वास्ता जो सब्जेक्ट से वास्ता आपका पहली बार कब हुआ या ये प्रोजेक्ट के तौर पे ही आपके पास आए? नहीं, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। मैं जुडिशरी मेरे पूरे ख़ानदान के खून में दौड़ती है, इसलिए आईएनए ट्रायल्स के बारे में मैं बचपन से जानता था और जब सफल साहब मुझसे मिले दिल्ली में, उन्होंने बोला तो मैं लपक के मैंने बोला कि ये मैं ही करूँगा और कोई कर भी नहीं पाएगा इसको। शूटिंग किन किन जगहों पे या किस लेवल पे होने वाली है? जाहिर सी बात है कि रियल लोकेशन शूट भी इसमें बहुत मायने रखेगा। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि इंटीरियर से शुरू करें, तो ट्रायल के लिए ये ट्रायल का ये सेट है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल कोर्ट मार्शल, तो यहाँ पे है। कुछ इंटीरियर्स बॉम्बे में करेंगे, 20 दिन का शेड्यूल है, फिर अक्टूबर में हम लोग आउटडोर जाएंगे। हम सब ने मिल के ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया इन लोगों ने मुझसे ज़्यादा रिसर्च की है। लेकिन अपने डायरेक्टर फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने विशाल को फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिकॉज विशाल ने अभी अभी अपनी फिल्म बनाई है रंगून, जो कि इसी वक्त की फिल्म है विशाल, इसी टाइम की फिल्म है। तो मैंने विशाल से पूछा लोकेशंस के लिए, यार तुम वहाँ गए थे, नॉर्थ ईस्ट गया था, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, किस तरह टेरेन है, किस किस्म का क्लाइमेट है। तो विशाल ने मुझे बताया, तो हम लोग डिसाइड करेंगे वहाँ जाना है नहीं जाना। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो बिल्कुल करते। शाद से मैंने पूछा, बिकॉज शाद के तो नाना जी थे प्रेम सहगल की, क्या क्या प्राइवेट मोमेंट्स थे। तो अब शाद की भी अगली फिल्म शायद यही होने वाली है, अपने नाना नानी की लव स्टोरी बनाएंगे ये जल्दी। संतोष जी सर, आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई थी, क्या क्या मुश्किल आपको उस दौरान आया, आपने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर से कि ये चीज़ ज़रूर रखना है या फिर इन चीज़ों का होना, इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बताया आपने कुछ अभी? क्योंकि हम देख रहे थे शुरू में आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, आपका एक कन्वर्सेशन चल रहा था, तो किस तरीके की चीज़ें आपने शेयर करी हैं, आपने अब जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है? देखिए ऐसा है कि तिग्मांशु के काम का मैं बहुत इज्जत करता हूँ एंड साथ में काम भी किया हम लोगों ने। अब लाइक दिस वर्क, बड़ी खुशी है कि सबसे पहले कि इन्होंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है एंड करेक्ट डायरेक्टर भी चूज़ किया है, तो इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा गुरदीप सिंह जी को एंड तिग्मांशु जी को। और मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा भी है कि लोग भी इसको सराहें और करेक्ट तरह से पब्लिसिटी करके लोगों तक पहुँचे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 भगत सिंह साथ साथ बन गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अटेंशन मिलना चाहिए फिल्म को वो नहीं मिल पाए। लेकिन जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने काफ़ी पसंद की है, स्कूल्स में भी दिखाए गए, अलग अलग जगह पे दिखाए गए लोगों ने, बट स्टिल आई फील उस फिल्म को इंसाफ नहीं हुआ, फिल्म के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस फिल्म के साथ इंसाफ हो, क्योंकि ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि नए जनरेशन, नए लोगों को, आजकल के जो पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि आज़ादी जो हासिल हुई है इसके पीछे किस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो मेरी दिली मतलब मुबारकबाद इन दोनों को, गुरदीप सिंह जी को, तिग्मांशु को, ये सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। और मेरी प्रार्थना है आवाम से, मीडिया से, कि इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन लेख लिखे ताकि लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हो कि ये टेलीकास्ट होने से पहले, रिलीज होने से पहले लोग इकट्ठे हो जाए, भीड़ आ जाए पिक्चर देखने के लिए। थैंक यू। तिग्मांशु सर, क्योंकि आपकी फिल्म में अमूमन तौर पर इरफान जी नज़र आते हैं, तो कितनी सही रही है कास्टिंग, और एक बहुत बड़ा दारोमदार है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये इन पात्रों को निभा पाना, तो कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं आप, और यही एक्टर्स क्यों? देखिए एक बात बताऊं कि इस तरह का सब्जेक्ट करना इस इंडस्ट्री में पॉसिबल होता नहीं है। कोई प्रोड्यूसर के पास जाऊँ, मैं बोलूँ कि मैं आज़ाद हिंद फौज अब एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मुझे घर भेज देगा। तो अगर सपल साहब ने मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और मुझको ये खुली छूट है कि मैं इतिहास को एक इंटरेस्टिंग ढंग से लोगों के सामने पेश करूं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं उन चीज़ों का सहारा ना लूं जिसकी वजह से पिक्चर को कमर्शियल सक्सेस मिलती है। ये मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं ऐसे लड़कों को लूँ जो कि प्रॉपरली एकदम बखूबी पिक्चर में लगे कि ये पात्र यही एक्टर कर सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों का चयन किया है। कुणाल, आपसे जब आपको ये ऑफर हुआ तो हाउ डिड यू रिएक्ट और हाउ डिड यू गो अबाउट द रिसर्चेस एंड ऑल दैट, किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आपने इससे पहले रंग दे बसंती भी की है, वो भी कुछ किरदार चरित्र निर्माण जो कुछ था वो कुछ इसी प्रकार का था, तो क्या अलग कर पाएंगे या फिर वही एक मेंटेलिटी रही कि जैसे वहाँ परफॉर्म किया था या फिर कुछ वैसा करना है आपने? इसी प्रकार का नहीं रहेगा, आई मीन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 लोग 40 से थे तो वो एक ही किस्म के लोग होंगे, बिल्कुल अलग किरदार हैं। और जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं तिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था। और जब मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत अच्छी दुख की बात है कि मेरी जो जनरेशन है उसको ये कहानी पूरी डिटेल में पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आज़ाद हिंद फौज थी, मुझे पता है कि कहानी के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस डिटेल में पता होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता था। और मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और मेरा होप है कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चले कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई और क्या कितना बड़ा पार्ट था उनका, इन तीनों किरदारों का और इन तीनों कैरेक्टर्स का, और जो पूरी आज़ाद हिंद फौज है उनका कितना बड़ा पार्ट था हमारी आज़ादी में। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग दे बसंती का जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच भी बिल्कुल अलग होगा.